क्या आपको भी ज़्यादा चलने से या खड़े रहने से नी जॉइंट में पेन होता है, या आपको ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ने पे ऐसा लगता है टांगे थकी थकी सी हैं, ना ज़्यादा देर खड़े हो पा रहे हैं ना ज़्यादा देर हम अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें उठने में ज़्यादा पेन होती है, ऐसा लगता है नी जॉइंट बिल्कुल थक गया है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो इस वीडियो में आपको मैं तीन ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा, बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, इससे आपका नी जॉइंट भी हेल्दी रहेगा और जो टांगे थकी थकी सी रहती हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि हमारी लेग्स में स्ट्रेंथ नहीं है और नी जॉइंट के अराउंड जो मसल्स है वो वीक हो रहे हैं, इसीलिए सारा वेट जो नी जॉइंट ने लेना था वो ले नहीं पा रहा और जो लेग्स हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम आती है हमारे ज़्यादा स्टैंडिंग होने से या ज़्यादा हमारी जो वॉकिंग करने से। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज से। अब इसमें हमने सीधा लेट जाना है और ये हमने दोनों लेग से करनी है, चाहे हमारा एक नी में पेन कर रहा है चाहे दोनों में पेन कर रहा है, हमने दोनों लेग से ही करनी है। तो इस तरह से लेट गए। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, एक लेग को फोल्ड करके और दूसरे नी को हमने इस तरह से 90-90 की पोजीशन बना लेनी। ये हिप जो है वो 90 डिग्री, उसके बाद जो नी है वो भी हमारा 90 डिग्री, इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बना लेना। उसके बाद जौन सा हमने लेग उठाया है उसी हाथ को, मतलब सेम साइड का, अगर लेफ्ट उठाया तो लेफ्ट से ही, इस तरह से हमने अपने नी को सामने की ओर पुश करना है आगे की तरफ। और आपने क्या करना है, दूसरी लेग फोल्ड इसलिए रखनी है ताकि आपको बैक पे जोर ना पड़े। तो इस तरह से दूसरी लेग फोल्ड रहेगी ताकि हमारी बैक पे ज़्यादा स्ट्रेस ना आए। तो इस तरह से हमने सेम साइड पे, अब हमने क्या करना है, नी को अपनी तरफ इस तरह से लेके आना है सेम पोजीशन मेंटेन करते हुए, और हाथ ने क्या करना है उसको रिजिस्ट करना है, रोकना है। अब देखिए इस तरह से मैं लेके आ रहा हूँ, ये देखिए अब जो मेरा हाथ है वो उसको रोक रहा है। अब इस तरह से इसको 5 सेकेंड होल्ड करिए, 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स, इस तरह से रिलैक्स। इससे आपको पता लगेगा कि मेरे यहाँ इस जगह पे कितना स्ट्रेस आ रहा है। अब ये जो है ये क्वाड्रिसेप्स मसल है। अब ये हिप जॉइंट, हम हमेशा क्या करते हैं, नी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली एक्सरसाइज होती है, नी प्रेस वाली भी कर लेते हैं, स्ट्रेट लेग रेज भी कर लेते हैं, उसमें हमारा नी का पार जो है इस तरह से क्वाड्रिसेप्स मसल जो नी के अराउंड है वो तो स्ट्रेंथन हो जाता है, पर जो हमारा हिप है वो स्ट्रेंथन नहीं हो पाता। अब हमने इसमें हिप फ्लेक्सर को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं और इस तरह से देखिए अब हिप को फ्लेक्शन यानी कि अपनी तरफ लेके आ रहे हैं, इस तरह से रिजिस्ट करना है, 1 2 3 4 5। तो जितना ये हमारा थाई मसल स्ट्रांग होगा उतना ये हमें हेल्प करेगा ज़्यादा देर खड़े रहने में और ज़्यादा देर चलने में। तो जिनको भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं वो अपने स्केड्यूल में ये एक्सरसाइज जो है ऐड कर लें ताकि उनको ज़्यादा देर खड़े हो सके, ज़्यादा देर चल सकें और स्टेबिलिटी रहे उनके नी में, जितनी स्ट्रेंथ रहेगी उतना अच्छा रहेगा उनके ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। ये हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज। वह परफेक्ट सपोर्ट के सारे प्रोडक्ट सुकून फिजिकल थेरेपी की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। बैक सपोर्ट पिलो, सर्वाइकल पिलो या नी एक्सरसाइज के लिए जितने एक्सरसाइज प्रोडक्ट्स हैं वो सभी आप अपने हिसाब से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। चलते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। अब सेकेंड एक्सरसाइज में हमने इस तरह से इसको बिल्कुल 90-90 जैसे रखा था वैसे ही पकड़ लेना है। अब इसको बिल्कुल हमने इस तरह से स्ट्रेच कर लेना है ऊपर, फिर उसके बाद रिलैक्स। ये आप समझ लीजिए कि हम बिल्कुल उसकी जो पटेला की मूवमेंट है उसको सही गाइड कर रहे हैं। अब उस पर स्ट्रेस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ से होल्ड किया हुआ है। तो ये जो सिंपल सी मूवमेंट है ये पटेला की ग्लाइडिंग को भी अच्छा करेगा, क्योंकि हमने ये बैठ के कई लोग करते हैं वो नहीं हमने करना। तो सिंपल सी इसकी ग्लाइडिंग करनी है ऐसे। और ये जो एक्सरसाइज है ये फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि फर्स्ट भी स्ट्रेंथनिंग है थर्ड भी स्ट्रेंथनिंग है, ये सेकंड एक्सरसाइज जो है एक मीडियम है दोनों के एक्सरसाइज के बीच में इसको रिलैक्स करने का। तो ये हमने इसको भी 10 टाइम्स कर लेना है। तो जो नी के पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर पाते ये सिंपल सी एक्सरसाइज वो ईजिली कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको स्ट्रेंथन कर लिया। अब आती है थर्ड एक्सरसाइज। अब थर्ड एक्सरसाइज में हमने इस नी को फोल्ड कर लिया और जो हील है उसको हमने नी के ऊपर रख लिया। मान लीजिए मैं इसकी एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैंने जो हील है इसी नी का ही, इसी लेग का जो हील है उसको ऑपोजिट नी के ऊपर रख लिया ऐसे, क्योंकि नी फोल्डेड रखेंगे। अब हमने हील को उसके ऊपर नी के ऊपर प्रेस करना है नीचे की तरफ ऐसे, 5 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब मैंने क्या किया है, एक पोजिशन बना ली है जिसका नी थका, किसी को थका हुआ नी लगता है या किसी को ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाता तो उसको यहाँ से वो होल्ड पकड़ भी सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज में हम इसको सहारा दे सकते हैं। पर ये जो हील है इस तरह से ये नी को प्रेस करेगी नीचे की तरफ। जब वो प्रेस करेगी ना तो आप अपने ये हैमस्ट्रिंग मसल को देखना ये कैसे एक्टिव होता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हमने दोनों चीज़ें जो हमारे थाई मसल, फ्रंट ऑफ थाई और बैक ऑफ थाई, दोनों को स्ट्रेंथन करने के लिए एक तरह की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की है जो कि हमारे नी की स्टेबिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा देगा और स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ करेगा। तो
तो ये हमने तीन एक्सरसाइज करनी है। तो ये थी थ्री सिंपल एक्सरसाइज और इफेक्टिव एक्सरसाइज जो कि हर नी पेशेंट भी कर सकता है, और जो लोगों को स्ट्रेंथ नहीं लगती, अपने स्टेबिलिटी नहीं लगती या थकी थकी टांगें लगती हैं, वो लोग भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नी की प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट हर लोगों को 40-50s में शुरू हो ही रही है। अगर वो एक्सरसाइज कर लेंगे तो नी उनको स्ट्रेंथन भी लगेगा, स्टेबल भी रहेगा। और नी पेन के अराउंड जो ऑलरेडी मेरे वीडियोस बने हुए हैं, काफ़ी लोग जो देखते हैं उसके लिए वो प्रोडक्ट्स के बारे में पूछते हैं, तो नीचे लिखे नंबर पर जाके नी कॉम्बो प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे रेजिस्टेंस लूप है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए, नी प्रेस बॉल है, नी पिल्लो है, उसको ऑर्डर करने के लिए आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे sukoonphysicaltherapy.com पे जाके उसको ऑर्डर कर सकते हैं, या नीचे लिखे नंबर पे जाके भी उसको ऑर्डर कर सकते हैं। और मुझसे वन टू वन कंसल्टेशन के लिए भी नीचे लिखे नंबर पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, उसकी छोटी सी फीस है, उसको पे करके आप मुझसे वन टू वन कंसल्ट कर सकते हैं। नी एक्सरे और नी के अराउंड जितनी भी प्रॉब्लम है उसके लिए एक प्लेलिस्ट है, नी पेन रिलीफ प्लेलिस्ट, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वो जाके आप सारी नी की जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ACL टीयर है, मेनिस्कस टीयर है, किसी को भी लिगामेंट इंजरी है, वो सारे पे ऊपर वीडियोस बने हुए हैं, तो वो जाके आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।